आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल चीज, और वो चीज है मेरे हाथ में एंड इसके अंदर है सबके कॉमिक्स। जी हाँ, अगर आप लोग सब टीवी के फैंस हैं देन आपको ये चीज याद होगी कि एक टाइम था जब सब टीवी ने अपने खुद के कॉमिक बुक्स लॉन्च किए थे। मेनी ऑफ यू मे बी नो अबाउट दिस। वेल, मैं काफी टाइम से सोच रहा था इसका अनबॉक्सिंग वीडियो डालने का, मेरे पास ये कई दिनों से पड़े हुए थे। सो टुडे वी आर गोना अनबॉक्स इट। सो लेट्स अनबॉक्स इट। अभी ये कहां से खुलेगा बे? वेल, इसे ओपन करने के लिए हमें जरूरत होगी एक धारदार खंजर की, आई मीन एक शार्प नाइफ की। सो वेयर इज माय वेपन? ये रहा मेरा हथियार। अबे कहां से शुरुआत करूं? शिट यार। अच्छा हाँ, ये रहा। और ये खलास। चलो अभी डब्बा खोलते हैं और नाइफ को साइड में रख देते हैं। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड दिस। ओके एंड हियर वी गो। तो भाई ये हैं सबके कॉमिक्स। यार जब ये कॉमिक बुक्स लॉन्च हुए थे ना 2013-14 के टाइम पे, तो आई वॉज अ किड एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था इन कॉमिक बुक्स को पढ़ने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कभी इन कॉमिक बुक्स को पढ़ नहीं पाया, अपने घर मंगवा नहीं पाया। जो थी वो ऑनलाइन अवेलेबल थी उस टाइम पे, जो कि आज के टाइम पर भी ऑनलाइन ही अवेलेबल है। हो सकता है मार्केट में आपको मिल जाए, बट उस टाइम पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल थी। एंड यार उस टाइम पे मुझे ई शॉपिंग जैसे टर्म के बारे में कुछ भी चीज़ मालूम नहीं थी। बेसिकली दिस इज सबके कॉमिक्स, जहाँ पर आपको सोनी सब टीवी चैनल के जो कैरेक्टर्स हैं, शोज हैं, उनसे रिलेटेड जो कॉमिक सीन्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। शोज की जो कॉमिक स्टोरीज हैं वो इन कॉमिक बुक्स में ऐड कर दी गई हैं। वेल, हमारे पास यहाँ पे हैं 3 वॉल्यूम्स इन कॉमिक बुक्स की। एंड जैसे कि आप कवर पिक्चर पर देख पा रहे होंगे, आपको सब टीवी के कैरेक्टर्स नज़र आ रहे होंगे, फिर वो चाहे FIR के कैरेक्टर्स हो या फिर चिड़ियाघर के हों या बालवीर हो या फिर वो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जीनी दिख रही हो। बेसिकली 2013-14 के टाइम के जो शोज थे सब टीवी के, उनके बेसिस पर ये कॉमिक बुक्स बनाए गए हैं। एंड एज आई सेड, मैंने 3 वॉल्यूम्स मंगवाए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे, दूसरे वॉल्यूम में जो है कवर पिक्चर पे आपको बालवीर और भयंकर परी और पीछे जो कुछ सब टीवी के कैरेक्टर्स जैसे चिड़ियाघर के कैरेक्टर हों या फिर चंद्रमुखी चौटाला हों, कुछ इस तरीके के कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जीनी और जूजू एक कारपेट पे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड जो 3rd वॉल्यूम है उस पर भी आपको चिड़ियाघर के कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, जहाँ पर गधा प्रसाद और दूसरे सब टीवी के कैरेक्टर्स जो है वो कारपेट पे सवार हैं। वेल, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही मेरे को ये। और साथ ही बुक के बैक साइड पर आपको सब टीवी की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सब टीवी का पुराना लोगो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। साथ ही आपको नीचे असली मजा सबके साथ है, सब टीवी की पुरानी टैगलाइन जो है वो देखने को मिल जाती है। उस टाइम पे सच में सब टीवी कॉमेडी का एक बेहतरीन चैनल हुआ करता था। हालांकि समय के साथ सब टीवी की हंसी गायब हो गई है। वाओ, मतलब बुक को देख के लग रहा है कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी पढ़ने में, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एज अ फैन ऑफ सब टीवी आई हैव ऑलवेज विश्ड कि मैं कभी ये कॉमिक बुक्स पढ़ूं, और फाइनली आई बॉट इट। एंड गाइज, इन बुक्स को पढ़ने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन पर भी एक रिव्यू वीडियो बनाऊँ। मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो जल्द अपलोड करूँ। टिल देन हैव अ क्लोज लुक्स टू द बुक्स।